वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर, स्टार्टिंग में जो बोलते हैं ना शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सर टाइम ऐसा नहीं है कि शानदार तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। यार अगर इस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को देखना स्टार्ट कर दोगे, इस नेगेटिव परसेप्शन के साथ में आप लोग अपनी आप को हर टाइम देखोगे, तो लाइफ में और ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को नजर आने लगेगी। वो नहीं कहते हैं कि हजारों साल पहले भगवत गीता में बोला गया था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा दुनिया को आप लोग देखना चाहते हो वैसी दुनिया आप लोगों को दिखने लगेगी। अगर आप लोग हमेशा बुरी चीज देखना चाहोगे तो बुरी चीजें आप लोगों के सामने इतनी आएंगी कि आप लोग सोचोगे कि यार दुनिया बिल्कुल खराब है। पर लेकिन अगर अच्छाइयां आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे तो इस बुरे टाइम में बहुत सारी आप लोगों को अच्छाइयां भी नजर आएगी। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया पर आप लोग फोकस देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर बात करूं मैं आप लोगों को कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर लाइफ में कुछ हो गया है तो पूरी जिंदगी जो है उसी में जीते रहते हैं, यार मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया था, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि पास्ट में मान लीजिए कोई लाइफ में गलत बात हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई ब्रेकअप हो गया, किसी भी तरीके की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें से निकलने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इस टाइम पर अगर इंसान जो है उन्हीं चीजों में पड़ा रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। कई सारे लोग जो हैं कुछ तो ऐसे हैं कि जो पास्ट को लेकर चिंता में रहते हैं, यार ये क्या हो गया, कुछ ऐसे हैं जो फ्यूचर को लेकर चिंता में रहते हैं। बहुत कम आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रेजेंट टाइम में जीते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर जीते हैं। और जिस इंसान के द्वारा ये कला एक बार को ग्रहण कर ली गई कि जहां पर वो रह रहा है वहीं पर ही वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, वो इंसान जो है उस इंसान को जो है कोई कभी भी रोक नहीं सकता अपने मुकाम को अचीव करने पे। तो जो राइट मोमेंट है वो स्टार्ट करने का, कभी भी आप लोग चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार उस टाइम पे ही काम होना चाहिए, नहीं, आप लोगों को जब अच्छा लगता है, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस दिन वो काम करने स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज करनी आज से ही करने स्टार्ट कीजिए, सुबह उठना है ढंग से आज से उठना स्टार्ट कीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये सारी चीजें सही डायरेक्शन में आप लोग कर पाओगे। और ये आज से स्टार्ट करो, इसके लिए आप लोग वेट मत करो कि तब होगा तो तब ऐसी चीजें होंगी, और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो। ओके, तो यार देखिए माहौल जैसा है आप लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर इस टाइम पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं। ठीक है, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है आप लोगों को ये बताना है। और अगर मैं आप लोगों को आज के में बात बताऊं एक डेटा के बारे में, तो लगभग 17% ऑल ओवर वर्ल्ड में जो खाना है वो बर्बाद कर दिया जाता है, वो अलग अलग लेवल पर। कुछ तो खेतों में से निकालने में बर्बाद हो जाता है, कुछ मार्केट तक पहुंचाने में बर्बाद हो जाता है, फिर मार्केट से जब लोगों के घरों में जाता है उसको यूज किया जाता है तो कुछ वहां पर बर्बाद हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों को क्या लगता है, खेतों में से मार्केट तक ले जाने में ज्यादा बर्बाद होता है, या मार्केट से ये घरों में ले जाने में ज्यादा बर्बाद होता है, या फिर घरों में जो पकाया जाता है फेंका जाता है आधा खाया नहीं जाता है वहां पर ज्यादा बर्बाद होता है, यानी कि खाना जो है वो कहां पर ज्यादा बर्बाद होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये रिपोर्ट भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा हमेशा वो क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो एक तरीके से आप लोग रिविजन आप लोगों का हो जाएगा। तो फूड वेस्ट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ए में बोला गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, बी में बोला गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सी में बोला गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और डी में बोला गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप लोग इन ऑप्शन में से देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके द्वारा ये एक तरीके से ये आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं देखने को मिले, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नॉर्मली ऑप्शन स्टार्टिंग में ऐसा दिया जाएगा ताकि आप लोग तुरंत बोले यार फूड के बारे में बात की जा रही तो फूड फूड मैच हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को स्टार्टिंग में मिलेंगे लालच देने वाले, तो इनसे हमेशा बच के रहिएगा। और यूपीएससी ऐसे गेम बड़ी जल्दी खेलती है, तो कभी भी यूपीएससी के चपेट से अगर बाहर निकलना है तो थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड आप लोगों को रखना पड़ेगा, बेसिक चीजें कम से कम आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का, उसके बाद में डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। और बहुत प्यारे बहुत शानदार आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज इन आर्टिकल के अंदर। इसी के साथ में क्वेश्चन भी होगा आंसर राइटिंग का, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी जो अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बिना पढ़े हुए एंजॉयमेंट में चलिए लाइफ, तो अपने हिसाब से देखिए, पर लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि फाइनल डे जब आएगा जीत उसी की होगी जिसने हथियार नहीं डाले। जो हथियार डाल के बैठ चुका है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ये कि यार जब इंसान अपने बारे में नहीं सोच सकता तो दूसरा उसके बारे में क्या सोचेगा। तो इसलिए जरूरी है ये कि जो लगा हुआ है वो लगे रहिए, जीत आप ही की होने वाली है।
आइए बात करते हैं, कल हमारी कंट्री में 3.15 लाख के करीब फ्रेश केस देखने को मिले और जिसमें लगभग 3588 जो लोग हैं अभी हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी आत्मा को शांति मिले। आगे बात करें यहां पर, ये सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि आज की डेट में कई सारे राज्य ऐसे हैं लगभग 15 के करीब जहां पर पॉजिटिव जो रेट है वो अभी और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है लगभग 21%, यानी कि आज की डेट में सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो ये जो माहौल बन रहा है इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है और अगर ऐसे ही चलती रही तो थर्ड वेव जो होगी वो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयावह हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि बहुत सारी बॉडीज जो है वो रिवर के अंदर फेंकी जा रही है और इनमें जो रिवर है यहां पर जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है वो है गंगा रिवर। आप लोगों ने एक हमारी कंट्री में एक रिचुअल देखी होगी कि जब लोगों को जलाया जाता है तो जलाने के बाद में जो उसकी रिमेन्स बचते हैं उसको गंगा जी में जाकर बहा दिया जाता है। तो ये जो तरीका है बेसिकली इस तरीके से हम लोग ये चीज सीखते हैं यहाँ पर कि जब गंगा जी में इस तरीके से बहा जाता है तो ये मानते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी सोसाइटी में जो देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो अस्थियां बहाई जाती है वो एक अलग बात थी, पर लेकिन फिलहाल जो है सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि बोड़ियां ही डायरेक्ट डाली जा रही है गंगा के अंदर, जिनको बाद में पता चलने के बाद में निकाला जा रहा है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है और ये जो बोड़ी है कई सारे तो डिकम्पोज हो चुकी है, यानी कि वो नहीं कहते कि बिल्कुल सड़ चुकी है बोड़ियां पड़ी पड़ी। तो इस तरीके से कई सारे एरिया में सिचुएशन देखने को मिलती है और ये बक्सर जो डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में अगर आप लोग बात करें उसमें ये कई सारी सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि माहौल कैसा बन रहा है और कैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो काफी बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, बक्सर की लड़ाई के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बक्सर की लड़ाई के बारे में आप लोगों से कई सारी बातें डिस्कस की थी। आप लोगों को यह बताना है कि वो जो लड़ाई थी उसके बाद में कौन सी संधि हुई थी, ट्रीटी कौन सी हुई थी और ये लड़ाई कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बात करें इसराइल और जो आज के डेट में फेलेस्तीन के बीच में जो झड़प चल रही है। देखिए, फेलेस्तीन बहुत ताकतवर कंट्री है इसराइल के सामने, उल्टा बोल दिया, सुनिएगा ध्यान से, इसराइल बहुत ताकतवर कंट्री है फेलेस्तीन के सामने। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को तुरंत यूपीएससी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने बोला ना अभी, ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट रहती है आप लोगों को घुमाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे और ध्यान से नहीं सुनोगे तो एग्जाम में आप लोग तुरंत गलत कर दोगे। ठीक है, तो यानी कि ताकतवर कंट्री कौन है वहां पर, इसराइल है, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो अपना दबदबा बना रही है और फेलेस्तीन को वहां से खत्म कर रही है। आज की डेट में फेलेस्तीन सिकुड़ कर रह गए यहां पर दो एरिया में, एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक को वेस्ट बैंक जो कंट्रोल किया जाता है, ये फतेह ग्रुप है यहां पर, ये इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि एक मॉडरेट ग्रुप है। ये बेसिकली ये काम करता है कि मिलजुल कर यार सोल्यूशन निकाल लेते हैं बातों का, टेंशन नहीं लेते हैं, एक दूसरे के साथ में शांति से सुलह कर लेते हैं, ये फतेह काम करता है। पर लेकिन ये जो है यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है यहां पर हमास, इसको टेररिस्ट कैटेगरी में रखा गया है, ये गाजा स्ट्रिप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो कहता है कि लड़कर लेंगे अपनी आजादी। ठीक है, तो ये वो वाला ग्रुप है। तो काफी टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इसके ऊपर तो नॉर्मली अटैक होते ही रहते हैं जो ये हमास ग्रुप है, क्योंकि ये लड़कर अपनी आजादी लेना चाहता है। तो इसके चलते अभी यहां पर गाजा जो बेसिकली बात करें यहां पर गाजा के अंदर, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना नॉर्मली आप लोगों को ये सारी एक्टिविटी गाजा स्ट्रिप के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। ठीक है, जो कि हमेशा लड़कर अपना एरिया छीनने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन इसराइल के सामने वो टिक नहीं पाएगा ये उसको समझ में आता है, पर फिर भी लगा हुआ है, चलिए जो भी है। तो अभी रिसेंटली 26 लोगों की और जान चलेगी। तो यहां पर इसराइल के द्वारा टारगेट किया गया गाजा स्ट्रिप को एयर स्ट्राइक में, तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ठीक है, तो इसके चलते ये कुछ एक एरिया है जो कि लोकेशन भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो हल्का हल्का सा आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी काफी ज्यादा यहां पर भी रिसेंटली, गोलान हाइट के बारे में। गोलान वो हाइट है जो कि सीरिया का पार्ट है, पर लेकिन वो भी इसराइल ने हथियार रखा है और आज के डेट में इसराइल के कंट्रोल में है यहां पर ये। तो इसराइल और सीरिया के बीच में है गोलान हाइट। ठीक है, वो अभी आप लोग याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जब इंसान सॉल्यूशन निकालने के जो एक मूड में आता है तो कई सारे आप लोगों को आगे पॉजिटिव सॉल्यूशन नजर आएंगे। जैसे यहां पर देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो फिट किए गए हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर में, ये बेंगलुरु का आप लोगों को नजारा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चलती फिरती हम लोग एक यहाँ पर एम्बुलेंस बना रहे हैं काफी शानदार, जहां से लोगों को जहां पर भी दिक्कत देखने को मिले उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर वे में हम लोग अपना जो भी रिसोर्सेज है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो हम लोग काफी कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पर लेकिन रही सही जो कसर है वो पूरी कर दी जाती है यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज के द्वारा। ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग देखिए आप लोग, यहां पर आप लोगों को लगता है कि ये जो हमारी कंट्री में जो वायरस चल रहा है ये जल्दी से खत्म होने वाला है,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से नहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वायरस को कुछ मान नहीं रहे हैं, तो इसके चलते एक माहौल ऐसा बन जाता है कि ये जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो पाती है। तो अभी यहां पर जो कंडीशन है ये तो हॉस्पिटल के बाहर है नॉर्मल तरीके से, पता नहीं कहां पर जहां पर कोई राशन ले रहा होगा, कोई शराब ले रहा होगा दारू की दुकान के बाहर लाइन में लगकर, कोई कुछ और मेडिसिन वगैरह लेने गया हुआ हॉस्पिटल के अंदर में। तो ऐसी सिचुएशन अगर देखने को मिलेगी तो ये वायरस जो है इस तरीके से रुकने वाला नहीं है। और जिसको ये लगता है एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर वायरस कब तक खत्म होगा, यार वायरस ऐसी चीजें होती हैं एक बार सोसाइटी के अंदर घुस जाती हैं तो वो कभी खत्म नहीं होती हैं। आप लोगों को ये चीजें कम होती ही नजर आएगी पर लेकिन हमेशा, जैसे नहीं ऐसे मच्छर की बीमारी आ गई, डेंगू मलेरिया की बीमारी आ गई तो मौसम में आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, ऐसे ये चीजें अब आप लोगों के साथ में ही रहने वाली है। ये आप लोगों को अब इतना ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि कुछ भी काम करने से पहले इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर लोग जो हैं जैसे मोबाइल लेकर चलते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अपने हाथ में या फिर पॉकेट में रुमाल लेकर चलते हैं, ऐसे ही अब आगे फ्यूचर में लोग आप लोगों को सैनिटाइजर और इसी के साथ में मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। तो ये कंडीशन है यहां पर और ये सुधरेंगे नहीं तब तक ये महामारी ऐसे ही चलती रहेगी। हम लोगों को सुधरना पड़ेगा, जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही बनी रहेंगी। आगे बात करते हैं एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मूडी, ये रेटिंग एजेंसी के द्वारा हमारी कंट्री का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का वो लोअर कर दिया गया है। पहले इसके द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 13.7 रहने वाली है, पर लेकिन इसके द्वारा घटाकर इसको 9.3 कर दिया गया है, क्योंकि COVID-19 ने जो इंपैक्ट हमारे देश पर डाला है उसके चलते अभी इसको घटा दिया गया है। पर लेकिन आगे चलकर अगर चीजें सुधरेंगी तो देखा जाएगा, पर लेकिन हर एक एजेंसी जो भी कुछ बात बोल रही है वो एक सजेशन जरूर देकर जा रही है कि इंडिया को हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बर्बाद है, कोलैप्स हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कभी हेल्थ को अपना फोकस दिया ही नहीं। पहले पिछले 60-70 सालों में पहली गवर्नमेंट करके चली गई जो भी किया, अभी फिलहाल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी कोई फोकस नहीं किया, क्योंकि ये भी लगभग यहां पर आप लोग 7 साल से ज्यादा देख सकते हैं, तो सबके द्वारा हेल्थ को इग्नोर किया गया कंप्लीटली, हेल्थ को कभी अपना प्रेफरेंस दिया ही नहीं गया, तो ये ढांचा भी देखने को मिलेगा। और अब की बार भी बजट में जिस तरीके की कोताही बढ़ती गई है उसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में कोरोना वायरस का इतना बड़ा एक वो नहीं कहते कि नरसंहार होने के बाद भी आज तक भी हमारी कंट्री में हेल्थ का एक प्रॉपर बजट नहीं आया, जबकि कई सारी कंट्री हेल्थ का बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सेंटर ये कोशिश कर रहा है कि राज्य के कंधे पर डालकर अपना पल्ला झाड़ ले जाए, ऐसी भी बातें कुछ उस आर्टिकल में बोली गई है। तो आर्टिकल समझेंगे, कई सारे और चक्षु आप लोगों के खुलेंगे, उसके बारे में कई सारी बातें जानने को मिलेगी। अभी हर टाइम पर कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलती है, पहले देखने को मिलता था किसी ने छेड़ दिया, किसी की डेथ हो गई, किसी का रेप हो गया, वो क्राइम थे। अब यहां पर एक नई टर्म आ रही है COVID-19 रिलेटेड क्राइम, यानी कि इससे रिलेटेड भी क्राइम निकल कर आ रहे हैं, यानी कि जो क्रिमिनल माइंडसेट का जो लोग है ना वो हमेशा अपना तरीका ढूंढी लेंगे कि क्या क्या हरकतें उनको करनी है। अभी रिसेंटली कुछ लोग जो दवाइयां झूठी बेच रहे हैं, कुछ लोग दवाइयां जो हैं वो महंगी बेच रहे हैं, कुछ लोग दवाइयां इस तरीके से हैं कि उनको इकट्ठा करके रख रहे हैं, और खासकर जब लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा महंगी बेची जा रही है, कुछ सिलेंडर जो है उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो यार ये जो हरकतें सोसाइटी में आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी, पर फिर भी एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है यहां पर ये 011-234-6990, फिर से सुन लीजिए 011-234-6990। तो ये जो नंबर है यहाँ पर आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई ऐसी हरकत देखने को मिलती है, कोई दवाई महंगी बेच रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, तो ये सारी अवेयरनेस की चीजें हैं जो आप लोगों को बता होनी चाहिए, ठीक है। तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। आगे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैरों में अपने आप ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, समझ रहे हैं कि ओलंपिक के लेवल पर एक ऐसा प्लेयर जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, उस इंसान के द्वारा कैसी हरकतें की गई, छह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सागर नाम का एक जो रेसलर था उसकी जान ले ली गई 4 मई को मार मार कर। इसके चलते अभी यहां पर जो इनके पीछे पुलिस लगी हुई है और नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया, यानी कि पकड़ते इनको कोई बेल नहीं मिलने वाली है, ये एक मर्डर का केस है। तो इससे समझिए कि करियर जो है वो बर्बाद करके बैठ गए, वरना एक शानदार प्लेयर हमारी कंट्री का, और किसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट यहां पर चल रहा था। तो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, उन्हें कहते हैं आपातकाल विपरीत बुद्धि, जैसे उसमें बोलती है बाहुबली में कि जाने दो इसको, मैं देख रही हूँ जी जो भी चल रहा है, मतलब जब वो बोलता है कि देवसेना का साथ दूंगा, तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो भी है यहाँ पर, उसने तो खैर अपनी जगह जो भी किया वो अपने हिसाब से किया, उसने जो वचन दिया था वो उसकी माँ अपना वचन दे रही थी, पर लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी अपने माइंड को अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इंसान कैसा रह गया यार, वो इंसान उस पोस्ट पर पहुंचा कैसे, पहले तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इतना डेडिकेशन जो आया वहां पर अपने आप को शांत रखकर ही इंसान जो है उस पोजीशन पर जाकर मेडल जीत सकता है, उसके बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस तरीके की हरकतों में डूब गया। तो ये दिखाता है कि इंसान का माइंड जो है वो कभी भी खराब हो सकता है, बस उसको थामना है उसको, और हर एक इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है।
चीफ मिनिस्टर साहब जो है दिल्ली के, जिनका नाम है केजरीवाल साहब, डेली कोई ना कोई कमेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का मौका इनको अच्छा मिला हुआ है। देखिए कंडीशन ये होती है नॉर्मली अगर देखा जाए आज के टाइम पर, सिचुएशन ऐसी है कि मिलकर काम करने की जरूरत है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर किसी राज्य को, यूनियन टेरिटरी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पर लेकिन अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर अपने राज्यों पर बोला जा रहा है, कई बार यहां पर कई सारे राज्य आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां उनकी गवर्नमेंट है वहां पर ज्यादा दवाइयां सप्लाई की जा रही है, वो सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे ऐसे कई सारे केस निकल कर आ रहे हैं, इसी के चलते कई सारे चीफ मिनिस्टर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अभी भी पॉलिटिक्स खेलने से पीछे नहीं हट रहा है, चाहे कोई पावर में है चाहे कोई अपोजिशन में है। तो ये अपनी रोटियां सेकने से कभी हमारे पॉलिटिशियन पीछे नहीं हटते, ये काफी गलत है। देश में लोग मर रहे हैं और ये अपना माहौल जैसा बनाए हुए हैं, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। राजस्थान के अंदर एक अच्छा स्टेप आप लोग बता सकते हैं, यह है मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं, विधायक जी, ठीक है। तो विधायक के लिए फंड होता है यहां पर, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लोकल एरिया, जो यहां पर बेसिकली मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनको विधायक बोलते हैं, उनसे रिलेटेड लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। जिस तरीके से एमपी लेड होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया जो डेवलपमेंट जो फंड होता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि यहां पर राजस्थान के अंदर, अगर आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए और भी ज्यादा न्यूज हो जाती है, जहां पर 2.5 करोड़ रुपए इनको दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए एक साल में कर दिया गया है। और ये जो 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये फंड यहां पर यूज किया जाएगा लोकल एरिया में वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, मेंबर ए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है, उसको दवाइयां प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाएगा लोकल एरिया में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये यहां पर ये काम कर सकते हैं। देखिए हर एक विधायक और सांसद को आज के में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंट्रोल में करना चाहिए पूरा, कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर केस आ रहे हैं तो उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब यहां पर वोट मांगने जाते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं ना, तो अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। पर लेकिन नॉर्मली ऐसी चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। केरला के अंदर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था KR गोरी, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। केरला के अंदर जब लैंड रिफॉर्म लाए गए थे तो काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये एक जो पर्सनैलिटी थी, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर में, तो अभी इनको ब्रेथ से रिलेटेड यहां पर इनको प्रॉब्लम देखने को मिली। देखिए कई बार आप लोग COVID-19 के चलते ना, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है जिसको फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां पर काफी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हाईएस्ट जो टेस्ट पॉजिटिव है यहां पर, इसके बारे में बात करें तो लॉकडाउन के चलते अभी केरला कर्नाटका के द्वारा यहां पर लॉकडाउन लगाया गया, पर केसेस जो चल रहे हैं वो टेस्ट पॉजिटिव वो काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कैसे उसको संभालना है, वो संभालने वाली बात देखने को मिलेगी। सिचुएशन काफी ज्यादा दयनीय है, समझ रहे हैं आप लोग, ये ऐसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि आने वाली सदियों को जब पढ़ाया जाएगा कि एक टाइम पर ऐसा था कि कोरोना वायरस आया था और इस तरीके से लोग जो है वो परेशान हुए थे, तो वो सुनकर दहल जाएंगे कि ऐसी कंडीशन देश के अंदर देखने को मिली थी। और जो जो भी गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करती है वो भी सबके चक्षु खुलने वाले हैं। आगे से हेल्थ के लिए अलग से बजट निकाल कर रखा जाएगा, जो कि अब तक इग्नोर हमारी कंट्री में किया जा रहा था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है जगनमोहन रेड्डी साहब, उनके द्वारा थोड़ा एक अच्छा स्टेप यहां पर उठाया गया कि हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए उसको यहां पर दिए जाएंगे उसके परिवार को, ताकि उसका परिवार अपने आप को संभाल सके। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या COVID-19 के मरीज को हॉस्पिटल मिल पा रहा है, तो ये भी तो देखने वाली बात है, तो ये समझना पड़ेगा। IMD के द्वारा एक और यहां पर एक नेगेटिव न्यूज यहां पर दी जा रही है कि अभी रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म आ सकता है, कहां पर, ये अरेबियन सी में। जैसे अपनी कंट्री है यहां पर, ये मैप इधर हो गया अरेबियन सी और इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, यानी कि लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा अरेबियन सी और राइट साइड में देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में अभी बोला जा रहा है कि साइक्लोन आ सकता है, तो यानी कि एक साइड में हॉस्पिटल में आग लग रही है, एक साइड में यहां पर ऐसे साइक्लोन आ रहे हैं, एक साइड में कोरोना वायरस छोड़ ही नहीं रहा है और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, तो इस तरीके से महामारियों पर महामारी बढ़ती जा रही है। तो सिचुएशन देखने वाली ये है कि कहां पर जाकर ये चीजें रुकने वाली है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारी जो बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला राज्य है, वहां पर अभी रिसेंटली जो मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, यहां पर लगभग यहां पर दिया गया था 16%, पर लेकिन बाद में घटाकर उसको 12% और 13% कर दिया गया था। ये रिजर्वेशन, अगर ये वाला रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तो ये 50% का जो कोटा था, इंदिरा सानी जो केस आया था 1992 में, उससे बढ़कर ये आगे निकल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मराठा कम्युनिटी जो है उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 50% से ऊपर आप लोग जाकर रिजर्वेशन देते हो तो ये उस कम्युनिटी को दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दबी कुचली कम्युनिटी है, जिसका
रिप्रेजेंटेशन कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली अगर वो आप लोगों को देखने को मिलती है तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। जबकि महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से माने तो उनके द्वारा ये बोला गया कि पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव और काफी ज्यादा प्रोस्परस कम्युनिटी है, इनको रिजर्वेशन देना वो सही बात नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। तो उन्होंने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया और बोला आगे से अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी को चेक करना है तो ये पावर दे दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। यहाँ पर स्टेट जो है वो रिकमेंड कर सकता है कि भाई साहब इसको आप लोग इस कैटेगरी में डाल दो, पर लेकिन वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसलिए आप लोगों को याद होगा इनके द्वारा बोला भी गया था मोदी साहब को कि अगर हिम्मत है तो जैसे आर्टिकल 370 के आप लोगों ने चेंज किया इसी तरीके से मराठा को रिजर्वेशन देकर दिखाओ। तो यहां पर अभी रिसेंटली ये प्रेसिडेंट को भी लेटर लिख रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देकर दिखाओ, ठीक है, इनके दे दो। इनके एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इंश्योर किया जाए कम्युनिटी काफी ज्यादा पिछड़ी है, ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन हमारी कंट्री में लाया गया था, ठीक है, तो वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, तो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था तो उसका आप लोग अमेंडमेंट बताइएगा कौन सा था। और वैसे तो लिखा हुआ यहां पर भी है, आप लोगों को दिख ही गया होगा। चलिए फिर भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिएगा इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन में है तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। एक साइड में आप लोगों को मैंने बताया बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कोविड-19 क्लाइमेट से रिलेटेड आग लग रही है सारी, ऊपर से एक और बुरी कंडीशन है यहाँ पर, वो है पाकिस्तान की साइड से जो टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है। मतलब आज की डेट में ये सोचा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि हमारी कंट्री में जिस तरीके से लोग जो जूझ रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है, और जब मैं यहाँ पर पाकिस्तान शब्द यूज करता हूँ तो मैं हमेशा इसका मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो हरकतें की जाती है उसके लिए है। एक कई सारे बच्चे हैं, अभी मैंने मेल देखे 2-3 दिन पहले अभी, तो कई सारे पाकिस्तान के बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि सर हम आपको कई सालों से फॉलो कर रहे हैं और सर जब भी पाकिस्तान की कोई न्यूज़ आती है मैंने देखा आप पाकिस्तान को बहुत बुरा भला बोलते हो। यार मैंने हमेशा से यही बोला है, जब भी मैं बुरा भला बोलता हूँ और पाकिस्तान को बुरा भला नहीं बोलता हूँ, मैं पाकिस्तान से अंदर जो एक्टिविटी होती है टेररिस्ट गवर्नमेंट टेररिस्ट जो एक्टिविटी है या फिर जो गवर्नमेंट वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो उल्टी सीधी हरकतें करती है वो बुरा भला उसको बोला जाता है। वरना यार देखिए लोग जो है ऐसे ही हमारी कंट्री में ऐसे ही पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी आज के डेट में अमन शांति बनी रहे। तो एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा समय लिखा गया, बोला गया कि सर कोशिश करो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति आ सके, तो कम से कम एक बीइंग ए टीचर आप ये अच्छी मुहिम चला सकते हो, आपके जो स्टूडेंट हैं उनके मन में कम से कम पाकिस्तान के लिए सर रेस्पेक्ट रहे और हमारे मन में भी जो इंडिया के लोगों के लिए रेस्पेक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, इंडियन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हम लोग वीडियो देखते हैं, तो सर मतलब एक काफ़ी अच्छा एक मुझे वो मेल लगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा अगर पाकिस्तान से कोई इस तरीके से कमेंट भी आता है कोई भी ऐसा रहता है तो देखिए यार लोग उनके भी हमारी जैसे हैं वहां पर, ठीक है, उनके हमारे जैसे क्या हो गए, मतलब वो हमारे ही तो लोग थे वहां पर, अभी अलग हो गए तो एक अलग बात है। तो कभी भी हेटेड नहीं फैलाना चाहिए रिलीजन को लेकर ऐसे देश को लेकर, बस हाँ ये चीजें हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है वहां पर उस पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि पूरी कंट्री को हम लोग बिल्कुल ब्लेम कर दें, ठीक है। तो वो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, सब लोग हैं वहां पर भी हमारी जैसे लोग हैं, ठीक है। रिलीजन कास्ट ये सारी चीजें धरती पर आकर चलती है, जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है तो उस टाइम पर नहीं रहता है कि वो कैसा बच्चा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आने से होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हमारी कंट्री में जो जीएसटी है, जीएसटी के रेट को कट करने की बात की जा रही है, अगर वैक्सीन पर यानी कि दवाइयों पर कट कर दिया जाता है जीएसटी का रेट, तो इससे फायदा ये होगा काफी लार्ज स्केल पर कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो दवाइयों की जो एक तरीके से रेट है वो कम हो जाएगा। तो एक अच्छा तरीका यहां पर है अगर आप लोग चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। बाकी अभी देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, सेंटर को अलग पैसे पर दिया जा रहा है, स्टेट को अलग पैसे पर दिया जा रहा है, तो वो है। तो जीएसटी को जीरो करने की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम जो जीएसटी है यहां पर जो रेट है तो बोला जा रहा है वैक्सीन के ऊपर यहां पर तो जो लग रहा है नॉर्मली वो लग रहा है 5% जीएसटी लग रहा है दवाइयों के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर महंगी है दवाई तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा कमाई हो रही है, और कोविड-19 के जो ड्रग है जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो लग रहा है यहां पर वो लग रहा है 12%, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर इसको जीरो कर दिया जाए तो दवाई जो है वो और ज्यादा सस्ती हो जाएगी, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पैसा कैसे आएगा तो वो सोचने वाली बात है। इनके द्वारा अभी जो कई सारे एरिया है जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात की जा रही थी तो उस पर रिड्यूस करने की बात की गई 28-12%, ठीक है। तो उसको अभी बोला जाता कि उसको हटा दो कम्प्लीटली, तो हटाने से मना कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से चीजों को टैकल कर रही है। रियलिटी में अगर ऐसी माहौल बना हुआ है, वैसे तो हम लोग बोल रहे हैं कि पेटेंट हटा दो, ठीक है, दूसरी कंट्री को, अपनी कंट्री में हम लोग जीएसटी हटाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है कि किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन कई बार आप लोगों को गवर्नमेंट का भी मुद्दा समझना पड़ेगा, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, अगर उनके पास से पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे फिर लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे। पर लेकिन ये भी समझना पड़ेगा जिस तरीके से और ज्यादा खर्चे किए जा रहे हैं अलग अलग चीजों में, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली गई उसके अंदर बात करें, तो वो भी समझना पड़ेगा क्या वो वाले खर्चे करना अभी जरूरी है। तो हर एक एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, ठीक है। तो एक बैलेंस वाला आंसर आप लोगों को देना है। G7 कंट्री की जो विजिट है मोदी जी के द्वारा वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कंट्री के अंदर काफी बुरी दयनीय कंडीशन देखने को मिल रही है। तो G7 कंट्री की जो मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग आप लोगों को यूके के अंदर देखने को मिलेगी, यूनाइटेड किंगडम, और बोरिस जॉनसन साहब जो है उनके द्वारा यहां पर इनविटेशन भेजा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, तो अभी ये जो इनविटेशन है ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है। G7 कंट्री को अगर आप लोगों को याद रखना है, पहले ये G8 कंट्री थी, G8 कंट्री में से -1 हो गया, कौन हो गया, रसिया, तो अब ये G7 कंट्री रह गई है। G7 कंट्री में अगर आप लोग बात करेगा तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तीन कंट्री वो हैं जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर में कौन कौन है अभी फिलहाल यहां पर, तो फ्रांस हो गया, इसी के साथ में यूके हो गया, और इसी के साथ में यूएसए हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, अगर कभी भी यूरोप के बारे में बात की जाए तो जर्मनी काफी पावरफुल कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो भी इसका पार्ट आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। जर्मनी हो गया, जर्मनी के साथ में इटली हो गया, ठीक है, और इटली के साथ में एक और कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली अगर आप लोग बात करिए वो एशिया से कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका नाम है जापान, ठीक है। तो आप लोगों के सामने कितनी कंट्री होगी, 6 कंट्री के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अब एक कंट्री कौन सी बच गई है उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। यानी कि मैंने 6 कंट्री के नाम आप लोगों को बता दिए अभी यहां पर, एक हो गया फ्रांस, एक हो गया यूके, एक हो गया यहां पर यूएसए, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया। तो एक कंट्री कौन सी बच गई यहां पर उसका नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से एग्जाम में, तो G7 के बारे में आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंट आप लोगों को दे देता हूं, वो कंट्री ना तो यूरोप की है और ना ही वो कंट्री एशिया की है, ठीक है। अब आप लोग बताइए वो कंट्री कहां की है, ओके आगे चलते हैं। चाइना के द्वारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी स्लो लेवल पर है, और इससे ज्यादा स्लो काफी चाइना के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं रहा, यानी कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से कंट्रोल कर ली है। पर लेकिन चाइना की पॉपुलेशन जो है वो काफी एज में बढ़ती जा रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी है कि किस तरीके से ये आगे आने वाले चीजों को लेकर चलती है। चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे प्रोविजन इनके द्वारा अपनाए गए हैं हमारी कंट्री में काफी क्रिटिसाइज किए जाएंगे अगर ऐसे प्रोविजन हम लोग अपनी कंट्री में लेकर आएंगे, तो ये बातें हैं। अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर चाइना हमको हेल्प नहीं कर रहा है, सारी कंट्री हेल्प कर रही है, इसका अपोजिट सही है, चाइना हेल्प करने के लिए तैयार है, पर लेकिन हम लोगों ने चाइना की हेल्प लेने से मना कर दिया है, ठीक है। ये हम लोग ताइवान से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, पर चाइना से हम लोगों ने हेल्प नहीं ले रहे, चाइना से हम लोग ये बोल रहे हैं कि तुमसे हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास से अगर कुछ भी सामान हम लोग लेंगे तो तुमको पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो चाइना को ये बातें हमारी कंट्री के द्वारा बोली जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है चाइना कैसी हरकतें कर चुके हैं बॉर्डर एरिया पे, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बातें हैं। 8 के करीब जो यहाँ पर रशियन अभी रशिया के अंदर 8 के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली गई, स्कूल के अंदर एक शूटिंग देखने को मिली जिसमें कई सारे लोगों की हत्या हो गई। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ऐसे केसेस आप लोगों को यूएसए में भी देखने को मिलते हैं और रशिया में भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कई बार सिचुएशन निकल कर आती है, तो ये काफी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है देश के अंदर, एक बिहेवियर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है, जो डूबती हुई चीजें होती है कम से कम उसको सपोर्ट मिले। तो यहां पर 123 मिलियन अनाउंस किया गया पाकिस्तान के लिए। तो इमरान जो है वो रियाद गए थे यहां पर 2 दिन की विजिट पर, तो वहां से ये पैसे लेकर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक हेल्प की जा रही है, अच्छी बात है। चलिए जो भी कंडीशन है, कुछ लोग जो भूखे मर रहे हैं जिनको दवाई नहीं मिली है उनको दवाई मिल पाए पेंडेमिक के टाइम पर, तो ये अच्छी बात है। जर्मनी के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। जर्मनी ने फेसबुक को बोला है कि वो शेयर नहीं करेगा व्हाट्सएप का डेटा, ठीक है, व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ में शेयर नहीं करेगा। इंडिया को भी यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसी हरकतें यहां पर काफी लार्ज स्केल पर करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा, जो कि फेसबुक, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए हमारी कंट्री की जनता का हमारा डेटा है, तो हम लोग को डिसाइड करना है कि हमारे डेटा का हम क्या करें, ठीक है, ना कि फेसबुक डिसाइड करेगा। डिलीट मार दो व्हाट्सएप, क्या करना है व्हाट्सएप का अगर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये चीजें हैं, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में समझेंगे यहां पर कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या बात करें। एक नया वेरियंट जो निकल कर आ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, बजट के बारे में बात की जा रही है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि बजट नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से बजट देना चाहिए था, वो काफी गलत तरीके की चीजें चल रही हैं। अभी यहां पर जो कंडीशन बनी हुई है नेपाल के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए नेपाल के अंदर जो केपी शर्मा ओली थे उनके द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली एक ट्रस्ट वोट उनको जीतनी थी वो नहीं जीत पाए और नेपाल में यहां पर ये हार गए हैं, ठीक है, केपी शर्मा ओली। तो इसके चलते अभी अनस्टेबिलिटी नेपाल के अंदर आ गई है। तो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब COVID-19 की चपेट में है दुनिया, उस टाइम पर जहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, केसेस काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं इस लैंडलॉक कंट्री के अंदर भी, और अगर बात की
जाए तो सिचुएशन इतनी खराब है कि दवाइयां भी प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि नेपाल की हेल्प काफी लार्ज स्केल पर चाइना करता है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, तो ये समझने वाला मुद्दा है। वो भी इस टाइम पर किस तरीके चीजों को लेकर चला जाएगा, तो ये काफी एक बुरी कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बाकी हमारी कंट्री में कौन सा राज्य टच करता है नेपाल को, याद रखें उत्तराखंड टच करता है एक, उत्तर प्रदेश दो हो गया, बिहार तीसरा हो गया, वेस्ट बंगाल चौथा हो गया और सिक्किम पांचवा हो गया। तो ये पांच राज्य टच करते हैं। नॉर्मली चार तो लोगों को याद रहते हैं, पर लेकिन वेस्ट बंगाल भूल जाते हैं, उनको लगता है वेस्ट बंगाल तो नीचे है। नहीं, वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर नेपाल को टच करता है इंटरनेशनल बाउंड्री पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मैप बेस्ड एक याद रखिएगा, ठीक है। साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना का नेचर हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आज की डेट में अगर बात करें, हर एक क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होते हैं, हम लोग को यहाँ पर संभालना पड़ेगा चीजों को, जैसी सिचुएशन देश के अंदर बढ़ रही है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कोविड 19 से रिलेटेड ही आर्टिकल है, ठीक है। इसी के साथ में ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं, एक डिफरेंट एंगल का आर्टिकल है। आज के डेट बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, आप लोगों को पता है कि लाखों हजारों लोगों की जान चली गई है, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के माता पिता दोनों की डेथ हो गई है। तो जब दोनों की डेथ होगी तो बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, तो इस टाइम पर कई सारे नेटवर्क ऐसे हैं जो कि बच्चों का व्यापार करते हैं, इलीगल तरीके से बच्चों का अडॉप्ट करते हैं और फिर इनको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो यहां पर ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इस टाइम पर इन चीजों को भी हम लोग को ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है, तो हम लोग को जागरूक रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर भी। बंगाल के अंदर जो बीजेपी की जो चीजें हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंटरेस्टिंग आज का ही एक जो कार्टून है इंटरेस्टिंग है उसको समझेंगे, डेटा पॉइंट वही है कहां क्या क्या केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। बात करें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है अभी यहां पर कि कांग्रेस के पार्ट्स में कोई भी लीडर नहीं है, ठीक है। तो पार्टी का चीफ कौन बनेगा, तो यहां पर कुर्सी के आसपास को एक ही पर्सन घूमता हुआ नजर आता है और वो है राहुल गांधी जी, जबकि यहां पर कई बार ये बोला जा चुके हैं कि जनता के द्वारा यहां पर इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, पर लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस जो है वो इन्हीं को प्रेजेंट करती है। देखिए अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है, हम लोग जनता चुनकर अपनी कंट्री में एक पर्टिकुलर लीडर को लेकर आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पीएम हो, ठीक है, चाहे वो सीएम हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो कई सारे मेंबर सामने निकल कर आए कि हाँ ये पार्टी के चीफ बनने लायक हैं और उनके लिए वोटिंग आप लोग करा लो, तो वोटिंग में जो भी जीत कर आएगा, चाहे वो राहुल गांधी जीत करा रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हैं, तो जो भी जीत कर आए उसको पार्टी का चीफ बना दो, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो। पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये डेमोक्रेसी बहुत कम हम लोग को देखने को मिलती है, खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जहां पर पार्टी बेस्ड रूल आप लोग को देखने को मिलेगा, एक ही पर्टिकुलर लीडर को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहती हैं, तो ये गलत चीजें हैं। तो ये कार्टून को देखकर आप लोग यहाँ पर 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, तो देखता हूं कौन कौन क्या क्या यहाँ पर इसके बारे में लिख पाते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना है उस तरीके से, एक प्रॉपर एक एजुकेटेड पर्सन की तरीके से आप लोगों को अपना जो कमेंट लिखना है, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो वो वाले जोन में आप लोगों को रहना है, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आइए सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, बजट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अभी रिसेंटली बजट के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिले कुछ सालों में। पर लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है, देखिए अगर हेल्थ के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो हेल्थ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 7th शेड्यूल के अंदर, संविधान के अंदर। 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं कॉन्केंट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्केंट लिस्ट तीसरा। अभी हेल्थ जो है वो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर में है, तो जो हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर में है, तो कहीं ना कहीं सेंटर कई बार इस तरीके से देख रहा है कोरोना वायरस को कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, तो स्टेट इसको टैकल करके चले। इसलिए हमारी कंट्री में अभी बात करें तो प्रॉपर वे में इसके लिए कोई बजट तैयार नहीं किया गया, तबकि 100 से ज्यादा कंट्री ऐसी हैं कि कोरोना के लिए अलग से उनके द्वारा अपने बजट में प्रोविजन लाया गया है। पर हमारी कंट्री में जब 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें उसके लिए कोई प्रॉपर बजट बनाया ही नहीं गया, इनके लिए अलग से पैसे रखे गए जिसको बोला गया कि 35,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर लेकिन एक जो बजट होना चाहिए था प्रोविजन में प्रॉपर वे में, नॉर्मली ये सेंटर के पास में है। और ये इंटरेस्टिंग बात पता है क्या राइटर क्या बोल रहे हैं, ये जो 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये 35,000 करोड़ नॉर्मली किसके होने चाहिए थे, या तो ये होने चाहिए थे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर भी नहीं है। अगर ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है तो ये जाने चाहिए थे स्टेट के पास में, जो जो स्टेट जूझ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इतना पैसा आप लोगों को स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था कोविड 19 को टैकल करने के लिए, क्योंकि वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ये वहां पर भी नहीं रखे गए।
ये है कैसे, इसके बारे में काफी सरप्राइजिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नॉर्मली ये पैसा जो है ये अलग अलग राज्य को अगर दिया जा रहा है तो एक तरीके से ऐसा होगा, कई जगह यहां पर ये भी प्रोविजन है कि इस पैसे को लोन के तरीके से दिया जाएगा ताकि उनको जो है वो रिटर्न करना पड़े। यानी कि एक तरीके से 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन के लिए देने एलोकेट करने, तो ये लोन की तरीके से भी हो सकता है, ग्रांट की तरीके से भी हो सकता है, दोनों ही प्रोविजन है यहां पर। यानी कि राज्य को लोन भी दिया जा सकता है जो कि राज्य को रिटर्न करना पड़ेगा, और ग्रांट भी दिया जा सकता है। तो ये जो प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, तो ये काफी एक बुरी बात बोल सकते हैं, वो भी कोविड-19 के चलते। और इसी के साथ में जब आप लोगों ने बोल दिया हेल्थ जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, आप लोगों ने बोल दिया ऑलरेडी खुलेआम ये हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, फिर भी राज्य को जो दवाई है कोविड-19 की वो महंगी क्यों मिल रही है स्टेट को सेंटर के कंपेयर में, यानी कि सेंटर को दवाई सस्ती मिल रही है और स्टेट को दवाई महंगी मिल रही है, तो ये क्या तरीका है ये समझना पड़ेगा। यार दवाई जब एक है, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी एक है वहां पर जो भी उस दवाई को मैन्युफैक्चर कर रही है, उस दवाई का प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है, तो ये कैसी कंडीशन है, ये कैसी देश में एक अलग महामारी है दवाइयों को लेकर। यानी कि कंपनी बनाने वाली दवाई एक है और वो अलग अलग रेट पर चीजें बेच रही है, ठीक है, तो ये कैसी सिचुएशन है ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही भ्रांति वाली चीज है। और वो भी उस टाइम पर जब हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसके ऊपर भी राइटर जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सही तरीका नहीं है, इसके चलते जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश की और 3 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो ताक पर लगा दी गई है सेंटर के द्वारा, ना तो कोई प्रॉपर प्लान लेकर आया गया कि कैसे इसके साथ में निपटना है, ना ही प्रॉपर प्लान लेकर आया कि कैसे हेल्थ को, कैसे लोगों को और कैसे आप लोगों को दवाइयों को टैकल करके चलना है। तो यहां पर कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा दयनीय अपने देश में देखने को मिल रही है। जितना साइज है पॉपुलेशन का उसके हिसाब से बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं जो पास्ट में चिल्ला चिल्ला कर मर गई कि भाई साहब लगभग 2-3% अपनी हेल्थ के ऊपर आप लोग खर्चा करो इतनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, पर लेकिन आज तक हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं किया गया और 70-80% जो खर्चा है हमारी कंट्री में लोग जो है अपनी जेब से करते हैं, जबकि यूएसए के अंदर ओनली 10% के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा, और जो दूसरी डेवलप कंट्री है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर अगर खर्चा नहीं करेगी या इंश्योरेंस कवर अच्छे से नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो वैक्सीन की जो पॉलिसी है जो काफी लोगों की जान बचा सकती है वो भी ढंग से नहीं लेकर आई जा रही है, और तो क्या ढंग से होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी गलत तरीके से है। तो बोला गया था अभी फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया कि 2016 में इनके द्वारा रातों रात ब्लैक मनी को खत्म करने की कोशिश की गई, इसी के चलते इन्होंने जब यहां पर 2020 में मार्च के महीने में रातों रात कोविड-19 को खत्म करने की कोशिश की गई लॉकडाउन लगाकर। तो ऐसी हरकतें जो की जा रही है इनके द्वारा, इनको किसने हक दिया ये हरकतें करने का कोविड-19 का लॉकडाउन लगाने का, जब यहां पर हेल्थ जो है वो स्टेट के अंदर आता है तो फिर सेंट्रल डिक्टेट क्यों कर रहे हैं यहां पर, हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉकडाउन तो स्टेट को लगाना चाहिए था, तो फिर सेंटर यहां पर आकर अपना डिक्टेट क्यों कर रहा है, एक तरीके से दादागिरी क्यों दिखा रहा है। और इसी के चलते यहां पर किसी भी तरीके से सेंटर की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक फेडरल सिस्टम के साथ मिलकर काम करने की, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके द्वारा ढंग से नहीं निभाई गई है। तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, पर लेकिन कुछ वैलिड पॉइंट है यहां पर, ये कि एक फेडरल सिस्टम के चलते यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बीमारी फैल रही है तो वो कौन कंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि सेंट्रल स्टेट को दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा, तो सेंटर अपना पल्ला इस तरीके से नहीं झाड़ सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहां पर कि हमारी कंट्री में आखिर क्यों प्रॉपर वे में चीजों को लेकर नहीं चला गया। कुछ बजट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बजट जो है यहां पर इसको बेसिकली बजट जो एक फ्रांस वर्ड है उससे निकाल कर लाया गया, जिसका मतलब होता है कि छोटा बैग। छोटा बैग मतलब कोई एक ऐसा पहले ब्रीफकेस लेकर आया करते थे, अब तो यहां पर इनके द्वारा ये बही खाते टाइप का लाल ये कपड़े में इसको लपेट कर लाया गया जिसपे हमारा एम्बलम बना हुआ है, तो ये चेंज किया गया। तो ये अभी रिसेंटली इसके बारे में बात करेंगे। पहला बजट जो था यहां पर जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो यहां पर एक स्कॉटिक इकोनॉमिस्ट थे, ये 1860 में हमारी कंट्री में। फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो बजट था ये आर के यहां पर सुनमुख जो चिट्ठी है उनके द्वारा, आर के एस चिट्ठी भी बोला जाता है इनको, ये 1947 में 26 नवंबर को प्रस्तुत किया गया। अगर बात करें रेलवे और जो यूनियन बजट है वो सेपरेट था, अब तक यहां पर 2017 में उसको मर्ज कर दिया गया, एक सिंगल बजट के तहत यहां पर आ गया। 2001 में हमारी कंट्री में जो यशवंत सिन्हा थे जब उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा बजट यहां पर नॉर्मली शाम को प्रस्तुत किया जाता था हमारी कंट्री में 5 बजे, तो उसको 11 बजे कर दिया। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे, ऐसी ऐसी चीजें ना कई बार हंसा देती है पढ़ते टाइम। हमारी कंट्री 1947 में आजाद होगी, उससे पहले अंग्रेज क्या करते थे, पहले 10-11 बजे अपने देश का बजट प्रस्तुत करते थे अपने देश में, जब वहां से वो फ्री हो जाते थे तो फिर हमारे देश में आकर बजट प्रस्तुत करते थे, ठीक है, तो शाम को बजट प्रस्तुत करते थे। ये समझने में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको ये देखें 1947 से लेके अगर 2000 तक की बात करें तो समझ सकते हैं आप लोग कि 60 साल के लगभग लग गए, 50 साल
55 साल के करीब लग गए ये चीज समझने में कि हमको अपना बजट सुबह प्रस्तुत करना चाहिए। ये काफी एक बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो एक एनालिटिकल माइंड ये चीजें नहीं सोच पा रहे, ठीक है। अगर बात करें 1955 में हमारा बजट जो था वो इंग्लिश में प्रस्तुत किया जाता था, उसके बाद में इसको हिंदी में कर दिया और इंग्लिश में दोनों में कर दिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में 2019 में पहली बार हमारी कंट्री में जो लाल कपड़े के अंदर लिपटा हुआ रिबन के अंदर यहाँ पर लिपटा हुआ एम्बलम उसके ऊपर छपा हुआ ये वही खाता प्रस्तुत किया गया जिसमें बजट लाया गया एक ब्रीफ केस को हटाकर। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन थी हमारी कंट्री में जो कि यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया उसके द्वारा उनके द्वारा 1970 में। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि आप लोग इनसे फायदा होगा। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोग से बन जाते हैं तो वहां पर आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे और कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट आप लोग आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं, सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, पर लेकिन अडॉप्ट करने के साथ साथ में यहां पर यह समझना पड़ेगा बहुत बड़ा कंसर्न का रीजन भी बन चुका है। कंसर्न का रीजन कैसे बन चुका है, अगर मैं उससे बात करूं, बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आज के डेट में वो हमारे बीच में नहीं है, यानी कि उनकी जान जा चुकी है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर। तो ये जो उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों को, कई बार उनको भिखारी बना दिया जाता है, कई बार एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज भी बच्चों को किया जाता है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इसको कैसे लेकर चलना है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें ये सारी चीजें कौन देखता है उसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है वो भी थोड़ा समझेंगे, पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहां पर ये। अगर बात करें जो हमारी कंट्री में बच्चों को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, हाउ इज चाइल्ड एडॉप्शन जो रेगुलेशन है इन इंडिया वो कैसे हैं, और व्हाट आर द रिफॉर्म्स नेसेसरी टू फर्दर सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, ठीक है, इनके प्रोसीजर को फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अगर कोई चीजें ऐसी न्यूज में है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। रिसेंटली अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके द्वारा अपने माँ बाप जो है वो खो दिए गए हैं, डेडली जो वायरस है ये भी इसके चलते, कोरोना वायरस के चलते। अभी रिसेंटली अगर बात करें काफी टफ टाइम है, तो टफ टाइम में कुछ टफ मेजर्स लेने चाहिए हम लोगों को, ताकि अगर कोई हरकतें जो है वो क्रिमिनल कैटेगरी की वो आगे ना बढ़े, तो इसको आयरन हैंडेड यानी कि जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, वरना एक और महामारी बच्चों के ऊपर यहां पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। अगर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है लीगल एडॉप्शन का, यानी कि किसी के बच्चों को कोई भी अडॉप्ट कर ले, तो फिर कोई भी बागवान का सलमान खान नहीं बनेगा, भीख मांगते हुए बच्चे नजर आएंगे। अगर बागवान का सलमान खान बनाना है तो प्रॉपर बच्चे का एजुकेशन देनी पड़ेगी और बुरे हाथों से उसको बचाना पड़ेगा। हमारी कंट्री में अगर बात करें आज के डेट में जो कि डेटा प्रस्तुत किया गया यूनिसेफ के द्वारा जो बच्चों के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, 30 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं, 30 मिलियन का मतलब होता है 300 लाख का मतलब होता है 3 करोड़, 3 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में वो ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब होता है जिनके मां बाप नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चे हैं अनाथ बच्चे जिनको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेट जो पैटर्नल डेथ अभी देखने को मिल रही है, तो कई सारे बच्चे जो हैं इस लिस्ट में अभी और ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं और वो गलत लोगों के हाथ का शिकार हो जाते हैं, जो हमारी एजेंसी है वो उनको ध्यान नहीं रख पाती है। इसके लिए हमारी कंट्री में कई सारे प्रोविजन भी है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन ये इनेक्ट किया गया 2015 में, जुवेनाइल जस्टिस रूल बनाया गया 2016 में ताकि बच्चों के ऊपर ऐसी हरकतें कोई देखने को न मिले, और अडॉप्शन जो रेगुलेशन रूल है 2017 के, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में जो काम करती है जिसको बोलते हैं CARA, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडॉप्शन जो रिसोर्स अथॉरिटी है। ये याद रखिएगा, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। ये इंट्रा कंट्री भी अगर ट्रांसमिशन अगर होता है, यानी कि कंट्री के अंदर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई किसी को गोद ले रहा है, या फिर यहां पर इंटर कंट्री यानी कि हमारे देश में से कोई दूसरे देश में जाकर अगर यहां पर चीजें ले रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई बच्चे को ले रहा है या हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई बच्चे को लेकर जा रहा है, तो सारा काम इनके द्वारा किया जाता है। तो जो प्रोसेसर है यहां पर ये एक क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज थी यहां पर कि यूएसए के अंदर एक बच्चे को अडॉप्ट करके ले जाया गया, तो उस बच्चे की डेथ होगी, जिसके चलते काफी ज्यादा चीज यहां पर देखने को मिली, काफी ज्यादा हाहुल्ला भी उस टाइम पर हुआ कि इस तरीके से बच्चों को यहां पर क्या ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, कि बच्चों की इस तरीके से जान चली जा रही है। तो ये समझने वाला मुद्दा है यहां पर जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है, यानी कि बच्चों को लेकर चले गए, पता चला वहां पर उनको सर्वेंट बनाकर रखा जा रहा है, वैसे अडॉप्ट कर लेकर गए, तो ये भी चीजें समझनी पड़ेगी। उनसे घर की साफ सफाई करवाई जा रही है, तो कई सारे ऐसे क्रूर लोग भी आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे जिनके अंदर लगता नहीं कि दिल है उनके अंदर बच्चों को लेकर, ठीक है। आज की डेट में बात करें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो CARA ये है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स जो अथॉरिटी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जरा सी देर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो यहां पर इस एरिया में काम करती है, और कौन है मिनिस्टर यहां पर, वो है स्मृति ईरानी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ये जो बॉडी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मॉनिटर
रेगुलेट करने का काम करती है। ये जो डिजाइन की गई थी एक तरीके से जो बॉडी बनाई गई थी यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में सेंट्रल जो बेसिकली अथॉरिटी यहाँ पर, ताकि इंटर जो कंट्री है एडिक्शन उसको भी ये ट्रांसफर कर सके और हेग जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से चीजें देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों से आगे भी बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें। हेग कन्वेंशन जो है यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं, इसका भी हम लोग पार्ट है, ठीक है, जो कि 1993 का है, याद रखना। दूसरा यहां पर ये सिग्नेटरी हम लोग यूएन कन्वेंशन चाइल्ड राइट, इसके भी हम लोग सिग्नेटरी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि कोई ऐसी हरकत देश के अंदर होती है तो उसका ध्यान रखिए। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी पर वार्निंग होनी चाहिए कि बच्चों के साथ में अगर कुछ भी ऐसा होता हुआ पाएगा तो उसका खैर नहीं रहेगा, उसको पटक पटक कर मारा जाएगा इंसान को, इसने ऐसी कोई हरकतें करी, बच्चों के साथ में कुछ गलत और दुर्व्यवहार किया यहां पर जिसके मां बाप नहीं है। एक लीगल प्रोसीजर जो है उसको प्रॉपर वे में पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। नेशनल और जो स्टेट यानी कि सेंटर और जो राज्य है उनको, जो भी उनके कमिश्नर है प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के जो काम करते हैं, उनको ढंग से और आंखें खोल लेनी चाहिए और ज्यादा विजिलेंट उनको हो जाना चाहिए आज के माहौल को देश में देखते हुए, और ज्यादा लार्ज स्केल पर जहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर कड़े एक्शन इनके द्वारा लेने चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि एनजीओ हो गई, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो भी इंडिविजुअल है जो इन सब चीजों पर फोकस देता है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोगों के आसपास में लगता है किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वहां पर गलत तरीके से उस बच्चे को कोई उसको मिसयूज कर रहा है, उस बच्चे के साथ में कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग यहां पर कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएं, ठीक है। यहां पर मीडिया के अंदर पब्लिसाइज करना चाहिए, कोई ऐसा इंसान अगर पाया जाता है उसकी बड़ी बड़ी फोटो छापी जाए फ्रंट पेज पर कि ऐसी हरकतें कर रहा है और उसके खिलाफ कड़े एक्शन भी यहां पर लेने चाहिए। इसी के साथ में यहां पर देखिए क्या होता है, इनोसेंट बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बेचारे, क्या रहता है उनके मां बाप चले गए, अब उनको कोई ध्यान भी रखने वाला नहीं है। आप लोग समझ नहीं सकते जिनके मां बाप नहीं होते, एक बार उनके बारे में सोचकर देखिए तो रूह भी कांपने लगती है। अगर अपने बारे में हम लोग हल्का सा एक बार अपने आप को सोचे कि हमारे मां बाप अगर न हो तो हम लोग को कैसा लगेगा, तो वो चीज हम लोग समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक बार फील करके देखा करो तो आप लोग उस चीज की ग्रेविटी समझ में आएगी। अगर आप लोग आज के लिए बात करेंगे एक इंसान को दिखता नहीं है, अगर आप लोग उसकी ग्रेविटी समझना चाहते हैं तो एक घंटे तक अपने आप पर काली पट्टी बांधिए और एक अपने आप सारे काम करने का कोशिश करिए काली पट्टी बांधने के बाद में, तो आप लोगों को उस इंसान की दिक्कतें समझ में आएगी और सैल्यूट करोगे उसके डेडिकेशन को कि वो कैसे अपनी जिंदगी को इसने तरीके से फिर भी इंजॉय कर पा रहा है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन आप लोगों को निकल कर आएगा। तो सारी चीजें समझना काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। पुलिस अथॉरिटी को भी अपना काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा विजिलेंट उनको होना पड़ेगा कोई ऐसा ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। पब्लिक और प्राइवेट ये वेंचर जो है उनको मिलकर काम करना पड़ेगा और एवरी सिटीजन उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा अगर बच्चों के खिलाफ कोई ऐसी हरकतें होती है, अगर उसको यहां पर रोकना है। तो ये कई सारी चीजें हैं यहां पर जिनके बारे में आप लोग एक हल्का सा तो आइडिया कम से कम जरूर रखेगा अगर कोई ऐसा आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है। प्रॉपर क्राइटेरिया है हमारी कंट्री में बच्चों को कैसे अडॉप्ट करना है, तो उसके चलते प्रॉपर क्राइटेरिया है कि कौन कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है, तो वो भी अलग से चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। ये जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है आज की डेट में किसके बारे में, ये बात की जा रही है फिलहाल जो है एक जो कंसर्न है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उसके बारे में। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट, ये हमारी कंट्री में एक बॉडी है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं INSACOG। ये क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, यानी कि अगर हमारी कंट्री में COVID-19 का कोई अलग वेरिएंट निकल कर आता है तो ये उसके ऊपर ध्यान रखेगा और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। ये मल्टी लेबोरेटरी बॉडी है, ये कई सारी लेबोरेटरी देखने को मिलेगी, प्रयोगशाला इसकी, कई सारी एजेंसी मिलकर काम करती है और पैन इंडिया फोकस करती है यहाँ पर, यानी कैसे कैसे वायरस जो है वो इवोल्व हो रहा है SARS-CoV-2 उसके ऊपर ध्यान रखकर यहाँ पर चलती है, अंडरस्टैंड करती है वायरस का नेचर और वायरस कैसे बढ़ रहा है, कैसे फैल रहा है उसको समझने में। इसी के साथ में जीनोमिक सर्विलेंस इसके द्वारा किया जाता है कि कहां से ये वायरस निकल के आ रहा है और कैसे इसको ट्रेस किया जाए, ये कहां कहां पर ये घूम रहा है, कैसे कैसे इवोल्व हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हमारी कंट्री का कोई वायरस है तो उसके बारे में ये बॉडी काफी ज्यादा ध्यान रखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी कंट्री के वेरिएंट के बारे में। तो ये है हमारी कंट्री का रजनीकांत जिसका नाम है B1617। रजनीकांत नेगेटिव वे में मत लीजिएगा जो रजनीकांत जी के फॉलोवर है, मतलब कहने का ये कि जिस तरीके से रजनीकांत जी जो है जरा सी देर में चट कर जाते हैं लोगों को आकर जब दुश्मनों के साथ में लड़ते हैं, ये नॉर्मल लोगों को चट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में, एक हाई वर्जन के साथ में। तो इंडियन जो वेरिएंट है यहां पर ये जिसका नाम है B1617 ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया गया WHO के द्वारा, यानी कि ये जो है काफी खतरनाक लेवल का वेरिएंट निकल कर आ रहा है। अब तक अगर बात करें यूके के अंदर है B1.1.7, ठीक है, हमारी कंट्री का नाम है B1.6.1.7, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का है वहां पर है B1351, ब्राजील का है यहां पर P2, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ऑलरेडी रखे हुए हैं।
हमारी कंट्री में अगर बात करें जो यहां पर चीजें भी देखने को मिल रही है, काफी लार्ज स्केल पर स्प्रेड हो गया, काफी सारे लोग भी जान लेकर चला गया और दवाई भी इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रही है। तो ये तीन क्राइटेरिया नॉर्मली रखे गए हैं, यानी कि इंक्रीज है ट्रांसमिशन काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है, सीवियर डिजीज देखने को मिल रही है, लोगों की जान लेकर जा रही है, इसी के साथ में दवाई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रही है। अगर ये चीजें फॉलो की जाए तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिए क्वालिफाइड हो जाता है और हमारा जो वायरस है बधाई हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्वालिफाइड कर गया है, तो ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। अगर बात करें B1617 जो है, ये पहले जब फैलना स्टार्ट हुआ काफी लार्ज स्केल पर तो ये मिड मार्च में आप लोगों को देखने को मिला, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर पूरे देश को देखते ही देखते इसने चपेट में ले लिया। तो जो यहां पर INSACOG जिसके बारे में भी आप लोगों से बात की इस बॉडी के बारे में, ठीक है, ये बॉडी क्या करती है यहां पर, ये बॉडी अभी देखने का काम कर रही है कि हमारी कंट्री में जो ये वेरिएंट है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया B1617, ठीक है, इसके अलग से दो वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे E484Q और L452R। तो ये अलग अलग म्यूटेशन में आप लोगों को चीजें नजर आएगी जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिली, जिनको चेक किया गया तो डबल म्यूटेशन इसकी देखने को मिली, कई बार तो ट्रिपल म्यूटेशन भी इसकी बोल रहे हैं। एक और ऐड कर रहे हैं P614R, यानी कि वायरस जो है वो हमेशा चेंजिंग नेचर के लिए काफी फेमस रहता है, तो यहां पर भी आप लोग कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें 20% ऑफ केसेस महाराष्ट्र में जो देखने को मिल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो यहां पर वो थे यहां पर B1617 के, और फिर ये कुछ ऐसे भी रीजन थे, कुछ तो पर्टिकुलर रीजन में है और कुछ यहां पर ऐसे भी थे कि बहुत सारे रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहां पर ये चीजें पहुंच रही हैं ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना था, पर लेकिन हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और इसके चलते चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर कहीं ना कहीं बन चुकी है वैक्सीन कंपनीज की कि जिस तरीके से वायरस चेंज हो रहा है उसी तरीके चीजें ध्यान रखनी है, स्टडी करनी है ताकि फिर से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो स्टडी जो जा रही है पर लेकिन कंटिन्यू इंपैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि वेरिएंट तो चेंज हो रहा है पर दवाइयां वही यूज की जा रही है, कंपनियां कह रही है यही दवाई काम कर रही है, तो चीजों को समझना चाहिए, कहीं भी अगर लापरवाही रही तो उसका खामियाजा हम लोग को डबल इंपैक्ट से झेलना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो हम लोग को प्रॉपर वे में चीजों को ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस अलर्ट रहना है, वैक्सीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है एक तरीके से, पर लेकिन वो मैजिक पिल नहीं है, हम लोग को अपने भी हेल्थ अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा और हेल्थ ऑथोरिटी को भी काम करना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं जो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, ये गलत है यहाँ पर, इसको चेंज कर दूंगा मैं जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। इंडिया और चाइना के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इनके बारे में अगर बोला जाए तो यहां पर क्या क्या चीजें अभी देखने को मिल रही है, अगर आप लोगों से समझने की कोशिश की जाए तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। COVID-19 के चलते देखिए जो हरकतें देखने को मिल रही है वो तो अपनी जगह ही है, पर लेकिन चाइना की और भी कई सारी हरकतें फिलहाल अभी यहां पर देखने को मिलेगी। चाइना और इंडिया के बीच में जो झड़प यहां पर चल रही थी, पहले बोला गया कि सिचुएशन को नॉर्मल किया जाएगा, पर लेकिन फिलहाल चाइना ने नॉर्मल करने से मना कर दिया है, तो उसके बीच में कई सारे रीजन आप लोगों को नजर आएंगे यहां पर इंडिया और चाइना की जो हरकतें चल रही है। तो इसको GS Paper 2 जो है यहां पर इंडिया और उसके नेबर की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं, या फिर जो इफेक्टिव पॉलिसीज होती हैं तो उसके ऊपर भी आप लोग फोकस दे सकते हैं। तो समझते हैं, अभी गालवान जो वैली थी वहां पर कंडीशन देखने को मिली काफी लार्ज स्केल पर। नॉर्मली इंडिया और चाइना के बीच में झड़प कहां कहां पर है, वेस्टर्न सेक्टर जो है ये 1570 किलोमीटर वाला एरिया है जहां पर चाइना अपना हक जताता है, सेंट्रल सेक्टर जो है यहां पर ये 545 किलोमीटर है जहां पर चाइना अपना हक जताता है, और यहां पर अगर भूटान का एक्सक्लूड किया जाए तो 1325 किलोमीटर एरिया है यहां पर चाइना अपना हक जताता है, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा वेस्टर्न एरिया में, दूसरे नंबर पर ईस्टर्न एरिया में और तीसरे नंबर पर सेंट्रल एरिया में चाइना अपना हक जताता है कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया कैसे हो गया, तुम्हारे बापा फूफा दादा छोड़कर गए थे क्या। तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, फालतू में कंट्री को सप्रेस करने के लिए पहले एक एरिया दबा लिया फिर दूसरा एरिया दबा लिया और फिर बोलते हैं कि ये एरिया मुझे दे दो और ये एरिया छोड़ देंगे, या ये एरिया दे दो मुझे ये एरिया छोड़ देंगे, यानी कि उसी कंट्री के साथ में उसी एरिया की बार्गेनिंग करता हुआ ये बदतमीज कंट्री नजर आता है कई बार। तो काफी बुरी कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि हमारा ही एरिया हमारे ही साथ में बार्गेनिंग करते हैं और यहां पर सप्रेस भी करता हुआ चीजों को नजर आता है। क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा चाइना की हरकतों का, समझना पड़ेगा। इंडिया के द्वारा बोला गया कि यार वो स्टेटस को रख लेते हैं, जहां जहां पर दो दो सी कंट्री थी उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करें स्टैंड ऑफ जो देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइनीज के बीच में, ये अभी रिसेंटली काफी लंबे समय से चला हुआ रहा है, लगभग एक साल हो गया, मई 2020 में स्टार्ट हुआ था, अब मई 2021 में हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, चाइना कंटिन्यू टू इन्फोर्स कर रहे हैं पर अपने ट्रूप्स, और इसी के साथ में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर नहीं आया, तो दोनों के बायलेटरल रिलेशन काफी नीचे चले गए और काफी होस्टाइल और डिसरप्ट यहां पर अभी माहौल देखने को मिल रहा है। इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है, मिलिट्री हमने भी बढ़ा दिया अपना, चाइना के जो ऐप वगैरह थे टिकटॉक वगैरह उनको उठाकर कंट्री से बाहर फेंक दिया, ठीक है, 59th और ऐप यहां पर हम लोगों ने उनके बैन कर दिए। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग खरीदते ज्यादा है सामान और बेचते कम है, तो ये 48.6 बिलियन था, तो ये हम लोगों ने घटाया, ये घटाकर इस पर आ गए हम लोग, पहले यहां पर ये
63 था, 53 आ गया, अब 48 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा जरूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है चाइना से डिप हो रहा है, पहले चाइना से दो यहां पर पहले चाइना से इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है 229 मिलियन, अब यहां पर 163 मिलियन हो गया। उसका रीजन ये कि एफडीआई के नॉर्म्स हम लोगों ने चेंज कर दिए, चाहे चाइना से हमको जरूरत ही नहीं है पैसा हमारी कंट्री में। अगर चाइना से यानी कि जो भी हमारी कंट्री के साथ में लैंड बॉर्डर टच करता है उस कंट्री से अगर हमारी कंट्री में कोई भी एफडीआई आ रही है तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल उसको लेना पड़ेगा, डायरेक्ट एफडीआई यहां पर नहीं होगी। तो ये नॉर्मली भूटान से नेपाल से तो एफडीआई हमारी कंट्री में आने वाली है, नहीं बांग्लादेश से, तो इसलिए चाइना के लिए प्रॉपर ये प्रोविजन हमारी कंट्री में बनाया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कई सारे पॉसिबल रीजन है चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है। एक तो बोला गया कि हम लोगों ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट किया चाइना, उससे हो गया हम लोग क्वाड का ग्रुप का पार्ट बन गए जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। चाइना यूएसए के रिलेशन टेंशन में चल रहे थे, चाइना इससे गुस्सा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में जो हम अभी यहां पर एक अलग तरीका हमारा नेचर देखने को मिलता है कि वो हमारा पोर्शन है, चाइना का पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से होकर जाता है, तो चाइना उसको लेकर टेंशन में आ जाता है कि क्या होगा अगर कल को इंडिया ने उसको ले लिया एरिया को। साउथ चाइना सी में इंडिया जो है वियतनाम के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं और यहां पर चाइना को टैकल करने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर चाइना काफी सदमे में रहता है। चाइना जो है कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते एक टेंशन में चीजें चल रही है, कई सारी कंट्री के द्वारा आरोप भी लगाए गए चाइना के द्वारा, चाइनीज वायरस बोला गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। इंडिया जो है वो पावरफुल कंट्री हो रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन यूज किया जा रहा है एशिया पैसिफिक की जगह, तो इसलिए चाइना काफी ज्यादा टेंशन में है कि इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहां पर। अगर बात करें जिस तरीके से क्राइसिस अभी देखने को मिले तो इंडिया को लेसन सीखना चाहिए कि कैसे चाइना को लेकर चलना है, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो यहां पर रिवैम्प करनी पड़ेगी हम लोगों को प्रॉपर वे में। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब प्रॉपर वे में तैयार रहे क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना की काफी ज्यादा हरकतें देखने को मिल रही है। आज के लिए बात करें एलएसी के ऊपर तो खतरा ही है, इंडियन ओशन के अंदर ज्यादा खतरा है क्योंकि चारों तरफ से चाइना हम लोगों को घेरने पर लगा हुआ है अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को लेकर। तो हिमालयन फ्रंट के साथ साथ में मोर अनसर्टेनिटी आप लोगों को दोनों एरिया में देखने को मिलेगी, समझनी पड़ेगी। पॉलिटिकल कॉस्ट अगर बात करें या फिर मिलिट्री में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, चाइना हमसे 3 से 4 गुना ज्यादा अपने डिफेंस में खर्च करता है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इंडियन लीडर को यहां पर क्रिटिकली एवेल्युएट करना पड़ेगा चाइना की हरकतों को, वरना इग्नोर कर काम नहीं चलेगा, हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ढंग से चीजें, तभी सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। बाकी ये था क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, तो आंसर है इसके यहाँ पर क्या है आंसर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये इसका आंसर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा अगर मैं आप लोगों से खाने के बारे में बात करूं, ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आप लोगों को याद है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है जब खाना बर्बाद किया जाए तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ही आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पता होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और लेक्चर कैसा लगा इसको आप लोग रेट जरूर किया कीजिए कि आप लोग कैसा लेक्चर लग रहा है, अगर आप लोगों से रेट करना हो इसको तो किस तरीके से आप लोग चाहेंगे कि इसको इंप्रूव करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।